हेलो व्यूअर्स, दिस इज मंजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग विली रेड बटर शो। गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज मैं एक और ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ और आज मेरे पास है इंडिको ECS जो कि बहुत पुरानी मॉडल है। सो इसके बारे में आज जानेंगे। ओके, सो क्या कुछ खास देखते हैं, चलो। फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ है आशीष जी। एक तो आशीष जी, हाय कर दिया हमारे व्यूअर्स को। हाय व्यूअर्स। सो इनकी ही एक कार है इंडिको ECS। सो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ प्रोज कुछ कॉन्स, क्या कुछ ये फील किए इतने दिन तक इसको चला के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो आशीष जी, एक बात हमें जानना है कि ये तो तकरीबन कितनी पुरानी होगी लगभग? ये तकरीबन 2012 मॉडल है। सो आशीष जी, जैसे कि ये 2012 मॉडल आप बता रहे हो, तो लगभग आई थिंक 8 से 10 साल के अप्रोक्स इसका हो गया होगा। सो ये बताइए कि उस समय ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ी सी ट्रेंडिंग कार थी, और तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इसको ही क्यों चूज किया? जैसे उस वक्त हो सकता है और भी बहुत सारी जो कारें हैं, जैसे कि मारुति की तरफ भी आप जा सकते थे, हुंडई की तरफ भी जा सकते थे, तो आपको टाटा लेने की क्या वजह थी, मतलब कुछ बताएंगे इस बारे में? टाटा लेने की एक खास वजह थी कि ये एक इंडियन ब्रांड थी। हाँ जी। और अभी भी टाटा ही पसंद करते हैं हम लोग भी। तो उस टाइम अगर देखा जाए तो ये सिडान में ये सबसे बेहतर लगी थी। बेहतर लगी थी, मतलब ओवरऑल आपका बिल्ड क्वालिटी सब कुछ, सब कुछ अच्छी लगी थी इसमें, और अभी तक भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है ये गाड़ी। ओके ओके, तो इसलिए आपने इसको चूज किया था। सो गाइस, हमारे आशीष जी का कहना है कि उस वक्त तक की ये पॉपुलर कार थी, जब भी ये लॉन्च हुई तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, बिल्ड क्वालिटी, और नो डाउट इंडियन कंपनी थी, इस वजह से इन्होंने टाटा को चूज किया। सो आशीष जी, तकरीबन 8-10 साल तो हो ही गया है, लेकिन उस वक्त इसकी क्या कुछ प्राइस रही थी, कुछ अप्रोक्स बताएंगे, कुछ याद है? एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 6.5 से 7 के बीच में पड़ी। 6.5 से 7 के बीच पड़ी। अच्छा, उस वक्त से लगभग कितने सर्विस हो रखी होगी ओवरऑल, कुछ छोटा सा एक एग्जांपल, क्योंकि बहुत साल हो गए इसकी तो सर्विस वगैरह। तो मैं रेगुलर सर्विसिंग कराते रहता था इस गाड़ी का, और अभी भी रेगुलर कराते रहता हूँ। तो अप्रॉक्स अगर इस साल में 3 बार भी कराया हूँ तो लगभग अब जोड़ लीजिए 20 सर्विस हो गई। अच्छा, उस वक्त क्या कुछ प्राइसिंग थी, कुछ एग्जैक्ट याद नहीं होगा आपको, लेकिन थोड़ा बहुत याद नहीं है, लेकिन बजट में ही रहती थी हमेशा। बजट में ही रहती, कोई खास खर्च ज़्यादा नहीं आती। ओके ओके, तो चलिए ये तो है, क्योंकि बहुत पुरानी कार हो गई, सो एग्जैक्ट ये राउंड फिगर में भी याद नहीं कर पा रहा, लेकिन हाँ वही थी जो लगभग जो सेडान की रही होगी उस वक्त की, वही कुछ सर्विस इसका रहा होगा। अच्छा ये बताइए, कार को खरीदे हुए इतने साल हो गए, तो इसको तो आप बहुत अच्छे से चलाए होंगे, अच्छे सड़कों पे, ख़राब सड़कों पे भी। सो ओवरऑल इसका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है आपका, वो कैसा था, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका बहुत ही अच्छा रहा है। हाँ जी, इसे मैं हर जगह चलाया हूँ, हाईवे में चलाया हूँ, तो ये मुझे एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी भी देती है। हालांकि इतना पुराना हो गया, थोड़ा बहुत तो आएगा इस गाड़ी में, लेकिन अभी भी ये ओवरऑल सही अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अच्छा, जैसे कि मैं सुना हूँ कि टाटा की क्या है, जैसे कि बहुत सारे जो ओनर्स हैं उनका जो है कि शिकायत रहता है टाटा की सर्विस को लेकर के, तो उस समय जब आप इसको परचेज किए थे उस वक्त क्या कुछ था, सर्विस इसकी कैसी थी, अच्छी थी या फिर पार्ट्स वगैरह में कोई दिक्कत थी? नहीं, सर्विसिंग ऐसा है कि टाटा की सर्विस तो पहले से थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन सर्विसिंग में अभी भी सर्विस सेंटर में थोड़ा इससे इशू रहते हैं, कोई खास अच्छी सर्विसिंग अच्छी नहीं, उतनी मतलब आपको सेटिस्फैक्ट्री सर्विसिंग नहीं मिलती, नहीं मिलता, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, गाड़ी से सेटिस्फाइड रहते हैं लेकिन सर्विसिंग से सर्विसिंग नहीं रहता। ये चीज़ शुरू से ही रही है और पता नहीं कब जाके प्रॉपर सही हो पाए, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ टाटा इसको सही कर पाएगी। अच्छा ये बताइए, इसकी जब आप बताएं कि ओवरऑल बहुत जगह पर चलाए हैं, तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कैसी है, मतलब खराब सड़कों पर, क्योंकि सेडान्स वगैरह ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, उस हिसाब से जो बाकी जो सेडान्स है उसके कंपैरिजन में कैसा रहा इसका? ये जैसे भी मैं खराब सड़कों में चलाया हूँ तो कभी इसका उतना टच हुआ नहीं है, टच नहीं हुआ ना, बॉडी टच कभी हुआ नहीं, कम्फर्टेबल थी। हाँ,
और अब ज्यादा अब लेके जाएंगे तो कोई भी सेडान है, हाँ, चाहे हैचबैक है या फिर जो भी एसयूवी है वो भी टच हो ही जाएगी, तो लगभग जो इंडियन रोड्स का जो कंडीशन उस हिसाब से ठीक है। अच्छा, इसकी सीटिंग कंफर्ट कैसी है? सीटिंग कंफर्ट ठीक है, काफी है, काफी हद तक ठीक है, अपने प्राइस रेंज के हिसाब से ये परफेक्ट उस वक्त के एक परफेक्ट पैकेज का थी। अच्छा, इसका स्टीयरिंग और ब्रेकिंग रिस्पांस कैसा है? अच्छी है, स्टीयरिंग रिस्पांस भी अच्छी है, ब्रेकिंग रिस्पांस भी अच्छी है। अच्छा, उस वक्त इसमें डिस्क आती थी या क्या था? ड्रम? नहीं, ड्रम थे, ड्रम और डिस्क। आई थिंक मेरे ख्याल से डिस्क और ड्रम दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, एक बार मैं देखना चाहूँगा। नहीं, आपको आगे में डिस्क ही मिल जाता था, तो जहाँ तक देख पाया हूँ इसमें ड्रम और डिस्क दोनों का यूज है, तो सही है, ब्रेकिंग अच्छी है। हाँ, ये तो हो गई। मेन जो चीज़ है, टाटा जो जाने जाते हैं अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तो उस वक्त से अभी तक जो है तो बहुत मेंटेन्ड है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, बहुत टफ रिजिड है बिल्ड क्वालिटी? सच में अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी उसकी सही में अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, जो कि कहने की बात नहीं है। उस टाइम जब उतना एयर बैग भी नहीं आते थे गाड़ी में, फिर भी उसको चलाने में पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा था, रोड को पकड़ के चल रहा है। सो आशीष जी, जैसा कि ये सारी चीज़ें तो हम थोड़ा बहुत जान पाए हैं, तो ये कार जो है बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, लेकिन लोग आज भी थोड़ा बहुत डिमांड तो रहता ही है, क्योंकि इसके जो फैन है वो आज भी डिमांड करते हैं। तो ये बताइए, इसका जो माइलेज था, गाड़ी तो चलती है अच्छी खासी, इसका उस समय का माइलेज कुछ एग्जैक्ट कुछ बताएंगे? माइलेज इसका अभी भी ठीक ही है मेरे ख्याल से, भी तो मैं भी कभी उतना भी ध्यान नहीं दिया हूँ, लेकिन अप्रॉक्स अभी भी 16 तक दे देती है। बहुत अच्छी माइलेज है फिर, 16 मतलब बहुत अच्छी माइलेज है, मतलब आज भी डीजल इंजन है, डीजल इंजन है और 16 की एवरेज दे रही है, मतलब बहुत अच्छी है, मतलब माइलेज। सो गाइस, इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, जैसे टाटा से एक उम्मीद रहती है कि माइलेज थोड़ी सी हो सकता है कम हो इंजन पावर। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि इसकी इंजन की पावर और टॉर्क फिगर का क्या है, मतलब अच्छी सड़कों पे एक होता है कि पंच चाहिए जैसे ओवरटेक वगैरह कर रहे हैं, तो इंजन रिस्पॉन्स इसका कैसा है? इंजन रिस्पॉन्स ठीक है, अगर आप हाईवे में ओवरटेक करते हैं तो आपको गियर डाउन करके आप अच्छे से कर सकते हैं। इंजन में कोई उतना वो नहीं, इंजन पावरफुल है। सो आशीष जी, ये तो हो गई इसकी जितनी थी अच्छाई आ गई, प्रोज हो गए, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉन्स भी होंगे, सो आपके हिसाब से इसमें क्या कुछ कमियां रही थी जिसको सुधारना चाहिए था, और एक और चीज़, इसको क्या फिर वापस से लॉन्च करना चाहिए टाटा को, तो ये सारी चीज़ें कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? इसमें थोड़ा सा इंजन नॉइज़ है, इंजन नॉइज रहती है इस गाड़ी में, और अब तो शायद अब आने वाले जनरेशन में गाड़ी जो आ रही है उसमें इंजन ज़्यादा रिफाइंड रहती होगी, इसमें इंजन वाइज है थोड़ा सा। ओके, और सर्विस से अभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, सर्विस सेंटर से वो थोड़ा सा सुधार दे तो अच्छी बात है, अच्छी है। और ये गाड़ी मेरे ख्याल से फिर मार्केट में आनी चाहिए, ये गाड़ी मैं ऐसे कुछ ऐसा मुझे एज अ ऑनर लगा नहीं कि गाड़ी लगाने की कुछ ये बंद कर, मतलब लोग चाहते हैं कि इसको फिर से मार्केट में आना चाहिए, ये बंद क्यों किया गया? ये अगर अभी मार्केट में आती तो मैं शायद फिर से एक बार इसे मैं खरीदता, नया गाड़ी लेता। ओके, सो गाइज, अगर आप लोगों को पता होगा ये टाटा इंडिगो ECS क्यों बंद हुई थी, अगर आप लोगों को एग्जैक्ट कुछ ये रीजन है या फिर कुछ जानते हैं इसके बारे में, जैसे कि मैं तो अभी सिंगल ओनरशिप रिव्यू ले रहा हूँ, आप लोग के पास भी अगर होगा तो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि टाटा को एक अच्छी सी सजेशन जा पाए, और ये गाड़ी क्यों बंद हुई थी, इसका क्या कुछ रीजन रहा था, ये एग्जिट पता चल पाए, और अगर आप चाहते हैं फिर से वापस आए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, यही थी आज के टाटा इंडिगो ECS के बारे में, क्या कुछ प्रोज थे, क्या कुछ कॉन्स थे, और आशीष जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपके समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।